गुड़ की बिक्री राजधानी दिल्ली में बढ़ चुकी है। जी हाँ, सर्दी का आगाज हो चुका है और सर्दी के साथ साथ कोरोना भी अपने पैर पसार चुका है राजधानी दिल्ली में। वहीं अगर गुड़ की बिक्री की बात की जाए तो गुड़ की बिक्री भी बढ़ चुकी है, क्योंकि काढ़ा लोग जो बनाते हैं काढ़े में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे आपको बता दें कि गुड़ खाने से कई सारे फायदे हैं, इसलिए काढ़े के साथ साथ लोग खाना खाने के बाद भी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खाना पाचन के साथ साथ आपको बता दें कि गुड़ अलग अलग किस्म का होता है, इससे कि स्वाद जो है वो भी मुंह का चेंज हो जाता है। और इस वजह से देखिए गुड़ के जो खरीदार हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के छतरपुर की, जहां पर देखिए गुड़ की दुकान जो है सज चुकी है और गुड़ खरीदने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं गुड़ की दुकान पर। नंदन जी, गुड़ बेच रहे, गुड़ के क्या क्या फायदे होते हैं और कितने रुपए किलो तक बेच रहे हैं आप? हम जी 60 रुपए 50 रुपए गुड़ बेच रहे हैं। गुड़ के फायदे ये है, गुड़ मतलब बहुत बीमारियों को दबाता है, इसके खाने से मतलब आदमी का पेट भी सही रहता है, गैस वगैरह भी नहीं बनती है, हाजमा सही रहता है। और भी अच्छा, कोरोना के दौरान भी लोग गुड़ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग? हाँ, वो गुड़ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं लोग बहुत गुड़। अच्छा, देखा जाए पहले लोग थक गुड़ नहीं खाते थे, अब तो है कि खाना खाने के बाद भी गुड़ खाते हैं। अब तो डेली आदमी गुड़ खाते हैं। कुछ आदमी हैं, पहले गुड़ कोई नहीं खाता था तो गुड़ बिकता भी नहीं था, 20-25 रुपए किलो गुड़ बिकता था। अब जैसे मान लो गुड़ की खपत होने लगी, वैसे ही गुड़ के रेट बढ़ने लगे। अब होटलों में भी खाने के बाद गुड़ रखा था? हाँ, सब गुड़ खाते हैं, अब तो हर जगह यूज हो रहा है गुड़, और गुड़ खाना चाहिए, अच्छी बात है गुड़। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं और रोजाना कितना, आप अभी तक कितना गुड़ बेच लेते होंगे? हम साहब रोज का बेच देते हैं 50 किलो गुड़। अच्छा, 50 किलो। अभी तो ऑफ सीजन है, जब सीजन शुरू होगा तो क्विंटल भर गुड़ बिक जाया करेगा। हम बागपत बड़ोस से आते हैं। तो बागपत से आप इधर छतरपुर में आके बेचते हैं? जी जी। तो क्या कहेंगे लोगों को कि गुड़ कैसे लेना चाहिए, क्या पहचान क्या होती है गुड़ में, क्या कोई वैरायटी होती है, कैसे क्या होता है? मतलब ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि गुड़ में मतलब केमिकल है या मसाला है, मसाला नहीं डाला जाता गुड़ में। गुड़ में एक दोल्ले का पेड़ होता, उसका निखार लगता है, उसके निखार से ये साफ हो जाता, फिर वैरायटी बना देते हैं कलर डाल के। जैनमैन जो गुड़ होता तो यही होता लाल वाला गुड़, और जैसे पीला हो गया तो ये रंग डाल दिया, काला गुड़ हो गया तो वो सफाई का नहीं होता, वो बेल गुड़ जैनमैन गुड़ होता काला वाला।